हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेद एंड मेडिसिन चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको शहद के फायदों के बारे में बताऊंगा। शहद दोस्तों एक ऐसी चीज होती है जो मधुमक्खी के द्वारा बनाया जाता है, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। आज मैं आपको शहद के ऐसे फायदे बताऊंगा जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, शहद का सबसे पहला फायदा होता है स्वास्थ्य और सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। यह हमारी बॉडी के अंदर जाकर ऊर्जा बूस्टर का काम करता है, बॉडी के अंदर एनर्जी लाता है, सभी प्रकार के पाचन रोगों को दूर करता है। इसके अंदर लोहा, फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, विटामिन बी कम्प्लेक्स, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ऐसे करके बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जो अनिद्रा को दूर करते हैं, पाचन को बेस्ट बनाता है, खून की उपस्थिति को अच्छा करता है, शुगर को कंट्रोल में लेता है। इसके साथ ही इसके अंदर एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो हमारे सौंदर्यता के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं। आप इसका नॉर्मल रूप से इस्तेमाल करें या आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, शहद का इस्तेमाल मोटापे की समस्या को दूर करता है। आप इसका इस्तेमाल करके बहुत जल्दी पतले हो सकते हैं। गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम एक चम्मच शहद का इस्तेमाल करें। कुछ ही दिनों के अंदर आपका वजन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और आप मोटापे से परेशान नहीं होंगे। इसके अलावा दोस्तों, शहद का इस्तेमाल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एक अध्ययन से पता चला है कि शहद भूख को प्रभावित करता है, जिसके कारण वजन कम हो जाता है। शहद का काम हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना है, साथ ही साथ हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। आप रोजाना 1 से 2 चम्मच शहद को खाली पेट इस्तेमाल करें। आप इसे गुनगुने पानी के साथ लें तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आप इसके अंदर थोड़ी सी दालचीनी और थोड़ा सा नींबू का रस मिला लें तो आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, शहद का इस्तेमाल जो होठों पर सूजन आ जाती है उसको दूर करने के लिए किया जाता है। यदि आपके होठ फटते हैं या आपको सूजन बनी रहती है, ऐसे में आप शहद का इस्तेमाल करें, यह आपके होठों से संबंधित सभी प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करेगा। दोस्तों, शहद का इस्तेमाल पाचन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। शहद हमारे पाचन संबंधी सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करता है। इसके अलावा दोस्तों, यह आपके शरीर में जाकर कब्ज जैसी भयानक बीमारी को भी दूर कर देता है। आप खाना खाने से पहले 1 से 2 चम्मच शहद खाएं, यह आपके पाचन को बूस्ट करने में मदद करेगा। वैसे तो दोस्तों, कहा जाता है कि शहद का इस्तेमाल मधुमेह के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है, लेकिन दोस्तों, कोई भी डायबिटीज पेशेंट है उसे मीठा खाने का परहेज करना चाहिए। आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा शहद का इस्तेमाल पेट दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। आप 1 चम्मच शहद के अंदर 1/2 चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर गर्म या गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करें, यह आपके पेट दर्द में बहुत ज़्यादा फायदा देगा। दोस्तों, शहद का इस्तेमाल आप अपनी खांसी के लिए भी कर सकते हैं। शहद हमारे दैनिक जीवन में छोटी मोटी परेशानी को दूर करता है। खांसी को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। आपको 2 चम्मच शहद को इस्तेमाल करना है। यह आपके गले में दर्द, सभी प्रकार की खांसी की समस्या को दूर करता है। इसके अलावा दोस्तों, एक पियावासा होता है, उसे आप शहद के अंदर मिलाकर पियेंगे तो दोस्तों, आपकी खांसी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप 1 चम्मच हल्दी को थोड़ा सा चपतवे पर भून लें, इसमें आप 1 से 2 चम्मच शहद मिलाकर खाएंगे तो कुछ ही देर के अंदर खांसी पूरी तरह से दूर हो जाती है। दोस्तों, शहद का इस्तेमाल त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। घाव और जलन को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप नियमित रूप से अपने चेहरे पर या जहाँ कहीं भी आपको दाग धब्बे हो जाते हैं या घाव हो जाता है, वहाँ पर शहद को लगाएं। यह आपकी त्वचा से सभी प्रकार के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल देता है और त्वचा पर दाग धब्बों को भी पूरी तरह से दूर कर देता है। फ्रेंड्स, शहद का इस्तेमाल आप झुर्रियों को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि आप समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं, इसका मतलब होता है चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ना स्टार्ट हो गई हैं, ऐसे में आप शहद का इस्तेमाल करें। यह बहुत ही सरल और सस्ता उपाय होता है जो कि आपकी त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। आप चाहें तो शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका फेस पैक बनाकर अपने चेहरे पर लगाएं, यह झुर्रियों को पूरी तरह से दूर कर देता है। शहद का इस्तेमाल आप अपने बालों के लिए भी कर सकते हैं। बालों को बेहतर करने के लिए, बाल झड़ने की परेशानी को रोकने के लिए शहद आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप हमारे इस चैनल आयुर्वेद एंड मेडिसिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके।